नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म की मशहूर अभिनेत्री कल्पना मोहन, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, नाजुम एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालू वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल्पना मोहन, जिनका वास्तविक नाम अर्चना मोहन, एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने 1960 के दशक में हिंदी सिनेमा में काम किया। वो 1962 की फिल्म प्रोफेसर में शम्मी कपूर के साथ, प्यार किए जा 1966 में शशि कपूर और किशोर कुमार के साथ, तीन देवियों में देवानंद के साथ, सहेली में प्रदीप कुमार के साथ और तस्वीर और तीसरा कौन में फिरोज खान के साथ दिखाई दी। उनके पिता क्रांतिकारी अवनी मोहन की बेटी थी कल्पना मोहन। कल्पना मोहन ने पंडित शंभू महाराज से नृत्य का कुशल प्रशिक्षण लिया था और वो बहुत कुशल नृत्यांगना थी। वो पुणे में रहती थी अपने परिवार के साथ। कुछ समय तक अंबाला कैट में रही। कुछ वर्षों तक वो अंबाला कैट के एक स्कूल में पढ़ती रही। उनके पिता 1962 और 63 के दौरान अंबाला कैट में निकलसन रोड पर स्थित राज्य कार्यालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग में कार्यरत थे। कल्पना मोहन का जन्म 18 जुलाई 1946 को श्रीनगर में अर्चना मोहन के रूप में हुआ था। वो पंजाबी और डोंगर वंश की थी। उनके पिता अवनी मोहन एक स्वतंत्रता सेनानी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सक्रिय सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य शीर्ष कांग्रेस दिग्गजों के करीब थे उनके पिता। कल्पना ने कथक में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। जब भी राष्ट्रपति भवन में समारोह होता था और गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में आते थे तो नेहरू उन्हें अक्सर राष्ट्रपति भवन में नृत्य करने के लिए आमंत्रित करते थे। कल्पना मोहन की शादी दो बार हुई थी। 1960 के दशक के मध्य में उन्होंने पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक सचिन भौमिक से शादी की। यहाँ दोस्तों, सचिन भौमिक ने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, तो उन्होंने उनसे शादी की थी लेकिन उनका तुरंत ही तलाक हो गया। 1967 में उन्होंने एक भारतीय नौसेना अधिकारी से शादी की जिनसे उनकी एक इकलौती बेटी हुई। 1972 में उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया और इसकी वजह भी कुछ अलग थी। दोस्तों, कल्पना अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उनके पति भी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कल्पना के ससुर चाहते थे कि वो अपना बंगला उनके बेटे के नाम पे कर दे। इसी बात से वो हमेशा तनाव में रहती थी, इसलिए उन्होंने 1972 में उन्हें तलाक दे दिया। अपनी बेटी को अकेले बड़ा करने के बावजूद उन्होंने उसे यथासंभव सर्वोत्तम शिक्षा देना सुनिश्चित किया। वो कुछ समय तक मुंबई में रही लेकिन अपनी बेटी की देखभाल के लिए उन्होंने अभिनय करना बंद कर दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में वो पुणे के पूर्व क्षेत्र में कल्याणी नगरी चली गई और डॉक्टर द्वारा उन्हें स्वस्थ जलवायु की सलाह देने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन वहीं बिताया। उनकी बेटी की शादी हो गई और वो संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई। कल्पना मोहन पर अभिनेता बलराज सहनी और उर्दू लेखिका इस्मत चुगताई की नजर पड़ी जिन्होंने उन्हें मुंबई आने के लिए प्रोत्साहित किया। कल्पना की पहली फिल्म प्यार की जीत ये सिनेमाघर में सिर्फ एक सप्ताह चली। उनकी दूसरी फिल्म नॉटी बॉय जो कि 1962 में आई, उनकी तीसरी फिल्म प्रोफेसर 1962 में रिलीज हुई। ये एक जबरदस्त और सुपरहिट फिल्म थी। इसके सारे गाने सुपरहिट रहे और ये काफी प्रसिद्ध हो गई। इसमें शम्मी कपूर ने अभिनय किया था जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। 1965 में देवानंद के साथ उन्होंने एक और सुपरहिट फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम था तीन देवियां। उनकी अगली फिल्म कॉमेडी प्यार किए जाए जो कि 1966 में आई। कल्पना ने बीबी और बकान में भी अभिनय किया जो कि 1966 में आई। इसमें उनके साथ विश्वजीत हीरो थे। 1960 और 70 के दशक में उनका बॉलीवुड में एक संक्षिप्त लेकिन सफल कार्यकाल था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस जमाने में बड़ी बड़ी हीरोइनें उनके नाम से डरती थी क्योंकि वो कथक नृत्य करने में पारंगत थी। एक वाक्य ये भी है कि किसी फिल्म डायरेक्टर ने
मधुबाला को रिप्लेस करके उन्हें साइन किया था। हालांकि ये पिक्चर कुछ ज्यादा नहीं चली, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने मधुबाला जैसी हीरोइन को रिप्लेस किया था और उसके जगह कल्पना मोहन को लिया था। शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड में काम करना बंद कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म थी सहेली, जो कि 1965 में आई। पिकनिक 1966 में आई। तस्वीर 1966 में आई। दोस्तों, कल्पना मोहन के साथ धोखाधड़ी हुई थी, तो 2011 में उन्होंने पुणे के खड़क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि तीन लोगों ने कथित तौर पर उनके जाली हस्ताक्षर करके एक फर्जी समझौता ज्ञापन बनाया था। उसने आरोप लगाया कि उन्होंने उसके फर्जी हस्ताक्षर के साथ 2007 में मजे विसागर गांव में उनकी 56.18 हेक्टेयर यानी कि 138 एकड़ जमीन सहारा सिटी बिल्डर को बेच दी है। इस बात को लेकर काफी तनातनी हुई और उनकी सेहत खराब होने लगी और वो कमजोर भी होने लगी। उनकी बेटी और दामाद उनकी देखभाल के लिए अमेरिका से आए थे, क्योंकि वो कैंसर के इलाज में थी और निमोनिया से पीड़ित भी थी। कैंसर के कारण 4 जनवरी 2012 की सुबह पुणे अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में 65 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार में उनकी बेटी प्रीति मनसुखानी, दामाद हरीश और पोते यश और खुशी हैं। उनका अंतिम संस्कार परिवार और करीबी दोस्तों के बीच बैकुंठ शमशान घाट पर किया गया। उनकी मौत की खबर कई दिनों बाद सार्वजनिक की गई, क्योंकि उनके परिवार को पता था कि कई लोगों की नजर उनकी संपत्ति पर है। दोस्तों, एक बार कल्पना मोहन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। कल्पना मोहन का वास्तविक नाम अर्चना मोहन था। 18 जुलाई 1946 को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ब्रिटिश भारत में उनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 4 जनवरी 2012 को पुणे, महाराष्ट्र में हुई। इन्होंने 1962 से लेकर 1967 तक फिल्मों में काम किया। इनकी सबसे यादगार फिल्म रही प्रोफेसर। इनकी प्रमुख फिल्मों के नाम तीन देवियां 1965 में आई, एक बेचारा 1972 में आई, पिकनिक 1966 में आई, प्यार किए जा 1966 में आई, तस्वीर 1966 में आई, सहेली 1965 में आई, तीसरा कौन 1965 में, तीन देवियां 1965 में, नॉटी बॉय 1962 में आई, प्रोफेसर 1962 में आई, प्यार किए जा 1962 में आई, जितने दूर उतने पास 1960 में आई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।